ओके बेटा, इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक पॉइंट्स। अब बेटा ब्रेक पॉइंट्स यूआई यूएक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। अब मैं ब्रेक पॉइंट को अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, चले इसकी पहले डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद में समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ब्रेक पॉइंट्स आर कस्टमाइजेबल वर्ड्स दैट डिटरमाइन हाउ यूर रेस्पॉन्सिव लेआउट बिहेव अकॉर्ड अक्रॉस डिवाइसेस और व्यूपोर्ट साइजेस इन बूटस्ट्रैप। व्यूपोर्ट आपको पता है वेब ब्राउजर के ऊपर, ये लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर, राइट और बॉटम कॉर्नर, इस आपकी पूरी स्क्रीन में जो चीजें नजर आ रही है इसको क्या कहते हैं? व्यूपोर्ट कहते हैं। यानी अगर मैं यहां पे आके समझाऊं, व्यूपोर्ट आप लिखोगे तो व्यूपोर्ट किसको कहते हैं? इमेजेस में जाओ, आपको अंदाजा हो जाएगा व्यूपोर्ट किसको कहते हैं। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा है व्यूपोर्ट, यानी जो चीज आपको नजर आ रही है वेब ब्राउजर के अंदर इसको क्या कहते हैं? व्यूपोर्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इस व्यूपोर्ट के हिसाब से कौन सी चीज आपको लेआउट में एडजस्ट करनी है, कौन सी चीज आपकी इससे आउट हो रही है, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा समझा देता हूं। देखें, ब्रेक पॉइंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, यानी बहुत बड़ी स्क्रीन, उससे आप जब किसी स्मॉल साइज पे लाते हो, अगर मैं इसी को दिखा देता हूं, देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट करें बेटा, इसके अंदर देखें ये रिस्पॉन्सिव शो हो रहा है, इस पे अभी साइज कितनी है, ये पढ़े, विड्थ कितनी है 1440, हाइट कितनी है 536, यानी ये रिस्पॉन्सिव है लेआउट। मैं यहां पर आके अगर जाता हूं किसमें, गैलेक्सी S5 के अंदर, तो देखें क्या होता है, ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब ब्रेक पॉइंट बेटा किसको कहते हैं? अगर मैं सिंपल अल्फाजों में समझाऊं तो ब्रेक पॉइंट एक्चुअल में क्या है, एक साइज से दूसरी साइज में जब आपकी स्क्रीन कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्क्रीन की साइज है 1400 से 1500, 1400 से आप कम जाते हो तो दूसरी स्क्रीन आती है ना, तो एक स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन की बीच में जो ब्रेक पॉइंट है वो क्या है? 1400। कौन सा क्लियर हो रहा है? यानी इससे आगे जाएंगे तो दूसरी डिवाइस है, इससे पीछे जाएंगे तो दूसरी डिवाइस। सिर्फ समझा रहा हूं कि 1400 अगर आपकी इज अ ब्रेक पॉइंट है, तो ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट है जो ब्रेक करती है आपके लेआउट को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, चाहे वो बड़ी स्क्रीन की तरफ आप जा रहे हैं, चाहे आप छोटी स्क्रीन की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये एक्चुअल में ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कन्वर्ट होना, ब्रेक पॉइंट, सही है। फिर उसके लिए जो पिक्सल आप देते हैं, कौन सी स्क्रीन की कितनी एक्चुअल में पिक्सल्स होती है, वो सारी चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब कोर कॉन्सेप्ट है क्या, ये देखिए, हमारे पास यूज देम ब्रेकिंग और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रेस्पॉन्सिव डिजाइन, यूज देम टू कंट्रोल व्हेन योर लेआउट कैन बी अडॉप्टेड अ पार्टिकुलर व्यूपॉइंट और डिवाइस साइज। अच्छा, तो इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके, अच्छा यहां पे दो तरह के डिजाइन होते हैं बेटा, ये देखें एक क्या है, अडॉप्टेड और पार्टिकुलर व्यूपॉइंट और डिवाइस साइज। आपकी अगर कोई ऐसी वेबसाइट की डिजाइन जो किसी एक स्पेसिफिक समझ लें स्क्रीन के लिए बनाई गई है, फॉर एग्जांपल लार्ज डिवाइसेस के लिए या टैबलेट्स की डिजाइन के लिए, कल को वही वेबसाइट जब आप दूसरी समझ लें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाते हो, लैपटॉप की स्क्रीन साइज बहुत बड़ी है ना, या मोबाइल पे लेके जाते, लेकिन जो डिजाइनर था उसने किस हिसाब से बनाई थी? टैबलेट के लिए, है ना, तो वो क्या करेगी? वो मसला करेगी, यानी टैबलेट पे तो सही दिखेगी पूरी वेबसाइट, लेकिन उससे छोटी या उससे बड़ी डिवाइस पे जब हम लेके जाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। एडेप्टिव डिजाइन, एडेप्टेड जो हमारी क्या होती है, लेआउट्स होते हैं, आपकी वेबसाइट्स होती है, दो तरह की आप संभले होती है, एक होती है रेस्पॉन्सिव, एक होती है अडेप्टेड। एडेप्टेड वो होती है जो किसी स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए बनाई गई। तो हमने आ गया कि फॉर एग्जाम्पल इस लैपटॉप पे मैं काम करता हूं, इसी के हिसाब से मैंने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना दिया, यानी इसी समझ लें कि स्क्रीन के हिसाब से वो सही चल रही है।
लेकिन जब मैं उसी पूरे वेबसाइट को लेके जाऊं और इससे लैपटॉप से बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप आ जाए तो उस पर वो सही नहीं चलेगी। सही है, अब चाहते हैं उस पर भी सही चले तो उसके लिए ब्रेक पॉइंट एक अच्छा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। ब्रेक पॉइंट सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अप्लाई नहीं करते प्रैक्टिकली। सही है, इसके लिए जो चीजें इज द सॉल्यूशन है वो मीडिया क्वेरी है। कौन सा क्लियर है? ये एक मसला है या एक संभालने के सॉल्यूशन, एक थ्योरी है, लेकिन हाँ इसको अप्लाई करने के लिए देखें, यूज मीडिया क्वेरीज टू आर्किटेक्ट यूर सी एस एस बाय ब्रेक पॉइंट। कि जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आप ट्रांसफर होंगे तो आप क्या करें, मीडिया क्वेरी अप्लाई करें। कि अगर एक हेडर है उसकी विड्थ इतनी है, वो सही दिख रहा है, जब उसके हिसाब से या उस आपके हेडर की जो विड्थ है फॉर एग्जाम्पल 80% है, जब बड़ी स्क्रीन पे जा रहे हैं तो वो और छोटा हो नजर आ रहा है, तो आप चाहते हैं उस पर भी वो 80% दिखे, तो आप क्या करेंगे, वी हैव टू यूज मीडिया क्वेरीज। उस हेडर वाले डिव को बस आपने क्या करना, डिफरेंट स्क्रीन के हिसाब से डिफरेंट विड्थ दे देनी। इसी तरह इमेजेस है, डिव है, एच वन है, टेक्स्ट की साइजेस भी आपको आगे पीछे करनी पड़ेगी, कि अगर छोटी डिवाइस पे टेक्स्ट इतना बड़ा नजर आ रहा है तो बड़ी डिवाइस पे कैसा नजर आएगा, है ना। इमेज आपकी एक स्क्रीन पे ऐसी नजर आ रही है तो दूसरी स्क्रीन पे कैसे नजर आए, कौन सा क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें। अच्छा, मोबाइल फर्स्ट रेस्पॉन्सिव डिजाइन, इसमें यही लिखा हुआ है कि मीडिया क्वेरीज आर फीचर ऑफ सीएसएस, सीएसएस 3 के अंदर हमारे यूज होता है, दैट अलाउ यू टू कंडीशनली अप्लाई स्टाइल्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ ब्राउजर्स। यानी कंडीशनली, कंडीशनली यानी हमने पढ़ा था ना कि अगर मिनिमम विड्थ ये हो तो ये अप्लाई कर देना, अगर इससे कम हो तो कंडीशन हो जाती है ना। कंडीशन क्या है कि इतनी विड्थ होगी तो ये अप्लाई होगा और इसके बाद ये विड्थ होगी तो ये अप्लाई होगा, कौन सा क्लियर हो गया। तो ये है, हमें क्या करना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से, कि जब ब्राउजर्स पे आप मूव कर रहे हैं अपने लेआउट को तो इस तरह से चीजें अप्लाई करेंगे। वी मोस्ट कॉमनली यूज मिनिमम विड्थ इन आवर मीडिया क्वेरीज, आपने देखा होगा ये मेजॉरिटी क्या यूज करते हैं, मिनिमम विड्थ यूज करते हैं। मोबाइल फर्स्ट रेस्पॉन्सिव डिजाइन इज द गोल, हम चाहते हैं मोबाइल फर्स्ट यानी सबसे पहले, बड़े मसले जो होते हैं ना मोबाइल्स के ऊपर वेबसाइट सही से नजर नहीं आती, बाकी स्क्रीन पे आगे पीछे चलो नजर आ जाती है ना, लेकिन मोबाइल पे आपको पता है सबसे बड़ा मसला ये होता है मोबाइल स्क्रीन्स के लिए वेबसाइट्स को डिजाइन करना, कौन सा क्लियर, क्योंकि बहुत छोटी डिवाइसेस होती हैं और इन पे वेबसाइट का लुक मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी पहली लाइन जो है बूटस्ट्रैप के स्लोगन में क्या लिखा होता है, मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क, रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, है ना। क्योंकि वेबसाइट जब आई थी तो कंप्यूटर्स के लिए इनकी डिजाइन बनाई जाती थी, मोबाइल्स पे स्क्रीन्स पे लाना वेबसाइट्स को बहुत बड़ा मसला था, कौन सा क्लियर हो गया। राइट, बूटस्ट्रैप सीएसएस एम टू अप्लाई द बेयर मिनिमम स्टाइल्स टू मेक अ लेआउट वर्क विद सिमालेस ब्रेक पॉइंट, सिमालेस ब्रेक पॉइंट सामने आ रहा है ना, छोटी स्क्रीन, एंड देन लेयर्स ऑन स्टाइल्स टू एडजस्ट दैट डिजाइन फॉर लार्जर डिवाइसेस। हम शुरू कहां से करते हैं डिजाइन करना, छोटी डिवाइस कि इस पे सही दिखे, फिर इसके बाद जब सेकंड जो है इसके बाद, अच्छा मैं बता देता हूं नीचे गिवन है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस क्या होती है या अवेलेबल ब्रेक पॉइंट कौन कौन से है, यानी एक डिवाइस का जब दूसरी डिवाइस पे लेआउट कन्वर्ट होता है तो ये हमारे कुछ गिवन जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल, श्योर है एक्स्ट्रा स्मॉल भी है इनके पास, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज कहां से लेकर कहां तक है, ठीक है ये देखें डायमेंशंस क्या है, जो भी आपकी स्क्रीन 576 पिक्सल से छोटी है वो सारी किस में आ जाती है, एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाती है, आंसर क्लियर। जो स्मॉल डिवाइसेस हैं, स्मॉल डिवाइसेस को आप किस तरह लिखते हैं, एसएम क्लास है, बूटस्ट्रैप का कौन सा क्लास है, एसएम, उसके अंदर हम क्या जो बड़ी होती है डिवाइसेस किसके पिक्सल, सही है, या उसके बराबर हो, यहां इसने कहा लेस देन 576 यानी 575 तक एक्स्ट्रा स्मॉल, 576 के 576 या 576 के यानी बड़ी,
अच्छा, मेरे कहने का मकसद सिंपल है बेटा कि अगर 576 पिक्सल के बराबर या उससे बड़ी स्क्रीन होगी तो वो किसके लिए? सिमोल के लिए, सही है। इसके बाद है मीडियम। मीडियम हमारे पास क्या है? मीडियम हमारे पास, अब देखें, कहां से लेकर 768 पिक्सल से ज्यादा या उसके बराबर, इससे कम होगी तो सिमोल में चली जाएगी, सही है। और 576 से कम होगी तो कहां चली जाएगी? एक्स्ट्रा सिमोल में। कौन सा क्लियर हो गया? इसी तरह लार्ज में जाएंगे तो क्या है साइज? 992 पिक्सल से अगर कोई भी स्क्रीन बड़ी है तो वो लार्ज डिवाइस कहलाएगी। यानी किसी भी डिवाइस का अगर जो स्क्रीन का साइज है इससे ज्यादा होगा तो वो कौन सी डिवाइस कहलाएगी? लार्ज। अब बूटस्ट्रैप 4 तक था सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज, बूटस्ट्रैप 4 तक क्या था? एक्स्ट्रा लार्ज। उसकी साइज कहां से लेकर कहां तक थी? 1200 पिक्सल से अबव जो भी थी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस थी। लेकिन अब आपकी, आपको पता है गेमर वगैरह आ चुके हैं दुनिया में, है ना, तो गेमर्स वगैरह की वजह से बहुत बड़ी स्क्रीन को यूज करते हैं, तो बड़ी स्क्रीन का भी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, बूटस्ट्रैप 5 वालों ने, कि इन लोगों ने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस की साइज भी बूटस्ट्रैप 5 में लॉन्च कर दी। तो क्लियर हो गया। अब 1400 पिक्सल से अब भी अगर आपकी कोई स्क्रीन साइज है तो आपकी वो सारी एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाएगी। तो क्लियर हो गया। अब आपने मीडिया की लिस्ट पढ़ी है, जब भी आपको जरूरत पड़े एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस तो आप क्या लगा देंगे? आपके ये गेट सिस्टम में क्लास लगा दोगे, कौन सी? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। कौन सा क्लियर है यहां तक? ठीक हो गया। ये थी हमारी अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स के कहां से लेकर कहां तक आपकी चीजें हैं। ये ग्रिड आपकी बनी हुई है, ये आपकी कस्टमाइज ग्रिड है, इसको अपनी मर्जी से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मीडिया क्वेरीज आपने पढ़ी हुई है, हम इस तरह से इंक्लूड करते हैं बेटा, पता है आपको, सही है। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इस स्मॉल डिवाइसेस एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए किस तरह से अप्लाई करोगे, शो हो रहा है, देखें। मिनिमम विड्थ कितनी हो? 576 पिक्सल। यहां पे आप बता दोगे कौन कौन सी चीजों में अप्लाई। सपोज एक डिव है जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे आप दिखाना चाहते हो 1400 पिक्सल से अबव, तो आप क्या लिख देंगे उस डिव को? यहां बता देंगे। कौन सा क्लियर हो गया? उस डिव को यहां टारगेट कर लेंगे, यहां पे भी टारगेट कर लेंगे, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे। यानी आप उस डिव को हर डिवाइस के हिसाब से क्या दिखाना चाहते हैं, अच्छे लुक में दिखाना चाहते हैं, आपकी मर्जी से वो डिफाइन करते हैं। कौन सा क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये थे हमारे पास ब्रेक पॉइंट और मीडिया की रीज जो हम यूज करते हैं इन और यू कैन से बूटस्ट्रैप 5। चले जी, कुछ और चीजें भी हैं एडवांस, आप इनको बेशक पढ़ के उनके ऊपर काम कर सकते।